ये चाहिए था कि दुनिया इस तरह चली आ रही है कि आदमी इसमें पैदा होता है, बच्चा होता है, खेल कूद में लगता है, फिर जवान होता है, उस जवानी के अंदर उसके ख्वाहिशात, उसके जज्बात, उसके ख्यालात, उसका शौक मुख्तलिफ हो जाता है, फिर अधेड़ उम्र को पहुंचता है, अधेड़ उम्र के बाद बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा आने के बाद फिर आखिर को दुनिया से रुखसत हो जाता है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो हमेशा रहने के लिए आया हो। इस बात पर सारी दुनिया का इत्तेफाक है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, मुल्हिद हो या बेदीन हो, वो जानता है कि एक दिन मरना है। तो जब तुम आंखों से देख रहे हो कि ये इंसान जो भी आ रहा है वो दुनिया में आरजी तौर पर आ रहा है, जाने वाला है यहां से, तो उसका कोई मकसद होना चाहिए। ये एक सफर है, और जब भी कोई शख्स सफर पर रवाना होता है तो उसके सामने एक मकसद होता है कि मैं फला काम के लिए सफर में जा रहा हूं। तो ये दुनिया जो है, ये भी दुनिया की जिंदगी एक सफर है, और इसी सफर की मंजिल तुम तय करते चले जाते हो, चलते जाते हो, यहां तक के दुनिया से रुखसत हो जाते हो। तो कोई मकसद होना चाहिए इसका, इस जिंदगी का। अगर मकसद सिर्फ यह है कभी खा लिया और पी लिया, सो गए और ज्यादा से ज्यादा आराम हासिल कर लिया, तो तुम में और जानवरों में क्या फर्क। जानवर भी खाते हैं पीते हैं, जानवरों को भी अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ अता फरमाते हैं, जानवरों को भी अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन लिबास देते हैं। उनके लिबास ऐसे ऐसे लिबास है कि उनको इंसान कीमती लिबास समझता है, बहुत बड़े कीमत देकर वो हासिल करता है, और अपने को अपने आप को पर फख्र करता है कि मैंने वो लिबास पहना हुआ, अल्लाह तआला ने उनको मुफ्त दे रखा है। तो खाना उनका, पीना उनका, रिज़्क़ उनका, लिबास उनका, सब कुछ अल्लाह ताला ने उनको अता फरमा रखा है। वो अगर जिंदगी का मकसद यही था तो फिर तुम असफल मखलूकात कैसे बन गए, और फिर अल्लाह ताला ने इन सारी जानवरों को तुम्हारे लिए मुसख्खर कैसे कर दिया। एक छोटे से छोटा बच्चा जो है वो घोड़े के मुंह में लगाम डालकर उसको जहां चाहता है ले जाता है, कभी घोड़ा पलटकर ये नहीं पूछता कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, तुम मेरे ऊपर सवारी करते हो, मुझे खिदमत में लगाते हो, मैं तो मुझे चाहिए कि तुम्हारी खिदमत हासिल करूं, कि तुम कमजोर हो मैं ताकतवर हूं। तो तुम्हारे और जानवरों में और कोई फर्क है नहीं सिवाय इसके कि उनका एक मकसद है जिंदगी, खाना पीना ओढ़ना बिछाना है, मर जाना है। लेकिन इंसान का मकसद है जिंदगी कुछ और है। वो क्या है? वो कुरान करीम में दूसरी आयत में बयान फरमाया, वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नात और इंसानों को किसी और काम के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि मेरी इबादत करें, मेरी बंदगी करें, इसलिए पैदा किया है। और इसी बंदगी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सारी मखलूकात में अफजल और अशरफ करार दिया। अशरफुल मखलूकात इंसान है, अल्लाह तबारक व तआला ने मखदूम बना दिया सारी कायनात का उसको। सूरज इसकी खिदमत कर रहा है, चांद इसकी खिदमत कर रहा है, हवाएं इसकी खिदमत कर रही हैं, जो समंदर इसकी खिदमत कर रहे हैं, दरिया इसकी खिदमत कर रहे हैं, सारी दुनिया की मखलूकात इसकी खिदमत कर रही हैं। अफजलुल मखलूकात अल्लाह ने बनाया। तो मुझे लतीफा याद आ गया कि एक शख्स ने हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से मसला पूछा कि मैं एक दिन बैठा हुआ था अपनी बीवी के साथ, ऐसी हंसी मजाक कर रहा था, तो उसी हंसी मजाक में मेरे मुंह से यह निकल गया कि अगर तुम चांद से ज्यादा हसीन ना हो तो तुम्हें तलाक, अगर चांद से ज्यादा हसीन ना हो तो तुम्हें तलाक। अब वो कह तो दिया जबान से, लेकिन अब परेशान हुआ कि या अल्लाह मैं कैसे साबित करूं कि मेरी बीवी जो है वो चांद से ज्यादा हसीन है, तो ये तो बात ऐसा लगता है कि तलाक पड़ गई। तो हजरत इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचे और जाके कहा कि हजरत मुझसे ऐसा कलिमा मुंह से निकल गया है,
तो क्या मेरी बीवी के ऊपर तलाक हो गई, मेरे लिए हराम हो गई? तो हजरत ने जवाब में फरमाया कि नहीं नहीं, कोई हराम नहीं हुई, तुम्हारी बीवी इंसान है। और कुरान ने कहा लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम, हमने इंसान को सबसे ज्यादा हसीन सूरत सूरत में पैदा किया है, एवं में पैदा किया। लिहाजा कोई बजाहिर देखने में कैसी भी हो औरत, लेकिन वो चांद से ज्यादा फिर भी हसीन है। स्वास्थ्य के अल्लाह ने उसको फजीलत अदा फरमाई है, उसको जो हुस्न अदा फरमाया वो अल्लाह ताला का आता फरमुदा। तो इसने पूरी कायनात को खिदमत पर लगा दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की, क्यों? इसलिए ताकि ये मेरी बंदगी करे, मेरी बंदगी करे। और क्या खूब कहा है मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह ने कि अब्रम बादो महो खुर्शीद व फलक दरकारम तातु नाने बकफारी व बगफलत ना खुरी। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये बादल, ये हवाएं और ये चांद और ये सूरज और ये आसमान सब तुम्हारी खिदमत में लगाए हुए हैं। ये चांद, ये सूरज जो होता है जब तक वो अपनी शुआएं ना डाले खेतियों के ऊपर, खेतियां पक नहीं सकती। तो ये बारिश बरसती है अब्र से, वो उसको खेती को सरसब्ज करती है, शादाब करती है। वो सारे काम अल्लाह ताला ने तुम्हारी खिदमत में लगाए हुए हैं सिर्फ एक वजह से, ताकि एक रोटी तुम्हारे हाथ में आ जाए। तो नाने बकफारी, रोटी हाथ में आए वो बगफलत न खुरी, और गफलत के साथ तुम ना खाओ, अल्लाह की नेमत समझकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके खाओ। इसलिए अल्लाह ताला ने सारी खिदमत में लगाया हुआ है। तो ये जो जिंदगी का असल मकसद है इबादत और बंदगी, अल्लाह तबारक व ताला की बंदगी, ये है इंसान का असल मकसद, जो उसे हर वक्त सामने रखना चाहिए अपने हर नशिस्त बरखास्त में, हर काम में, सोते हुए, जागते हुए, खाते हुए, पीते हुए, रोजी कमाते हुए, तिजारत करते हुए, हर वक्त उसको ये पेश नजर रखना चाहिए कि मैं अल्लाह का बंदा हूं और अल्लाह के आकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने का पाबंद हूं। और ये है असल हकीकत इंसान की। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इस हकीकत से तुम्हें गाफिल कर दिया है। किसने गाफिल कर दिया है? कसरत से चीजें बटोरने में, कि मैं ज्यादा से ज्यादा दौलत कमा लूं, ज्यादा से ज्यादा मजे उड़ा लूं, इसने तुम्हें गाफिल कर रखा है इस बंदगी के असल मकसद जिंदगी से। अल्लाह तबारक व तआला ये शिकायत कर रहे हैं, हम गाफिल कर रखा है।